दोस्तों आज के इस वीडियो में हम जानेंगे कि हमारे 150 एम्पियर इन्वर्टर बैटरी को चार्ज करने के लिए कितने वाट का सोलर पैनल चाहिए। दोस्तों कुछ दिन पहले मैंने एक वीडियो बनाया था सोलर पैनल से रिलेटेड ही, तो उस वीडियो पे दोस्तों ये कमेंट बहुत सारे लोगों ने पूछा हुआ है कमेंट करके। तो मैंने सोचा चलो एक वीडियो ही क्रिएट करके मैं आपको बता देता हूँ कि अगर हमारे पास 150 एम्पियर की इन्वर्टर बैटरी है तो अगर उसको हम सोलर पैनल से चार्ज करना चाहते हैं तो उसके लिए दोस्तों हमें कितने वाट का सोलर पैनल चाहिए। देखिए फ्रेंड्स, कई लोग हम मेरे से सवाल ये पूछ रहे थे कि क्या हम 100 वाट का सोलर पैनल अगर खरीदते हैं तो क्या 100 वाट से हो जाएगा। कोई लोग पूछ रहे हैं 200 वाट के अगर सोलर पैनल खरीदते हैं तो 200 वाट सोलर पैनल से चार्ज होगा कि नहीं होगा। तो इन सारे सवाल का जवाब दोस्तों मैं आपको इस वीडियो में देने वाला हूं, तो ये वीडियो आप कंप्लीट देखना। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले एक छोटा सा रिक्वेस्ट है, इस वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किए हैं तो वीडियो को लाइक जरूर कर दें, और हमारे यूट्यूब चैनल पर अगर नए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन को ऑन कर लें। तो चलिए दोस्तों एक एक करके हम आपको सारे पॉइंट्स को बताते हैं। देखिए फ्रेंड्स, हमारा जो सोलर पैनल होता है वो मान लीजिए अगर हम 100 वाट का सोलर पैनल लेते हैं तो वो लगभग 6 एम्पियर हमें दिखाता है कि 6 एम्पियर आउटपुट सप्लाई देगा, लेकिन दोस्तों वो 6 एम्पियर आउटपुट सप्लाई नहीं देता है बल्कि वो 4 एम्पियर ही देता है। मतलब दोस्तों जितना वो लिखा हुआ होता है उससे 2 एम्पियर आप घटा के देख लीजिए। तो दोस्तों सबसे पहले हमें ये जानना जरूरी है कि हमारे पास जो बैटरी है वो मैक्सिमम कितने एम्पियर से चार्ज हो सकती है, तो ये सबसे पहले हमें पता लगाना होगा, तभी दोस्तों हम उसी के हिसाब से सोलर पैनल भी खरीद सकते हैं। हमारे पास जो बैटरी है उस पर आप ध्यान से देखिएगा, उस पर C10 या फिर C20 जरूर लिखा हुआ होगा। तो आप अपनी बैटरी पे ध्यान से देखिए, अगर आपका बैटरी सोलर बैटरी है तो उस पे दोस्तों लिखा हुआ होगा C10, अगर दोस्तों आपका नॉर्मल इन्वर्टर बैटरी है तो उस पे लिखा हुआ होगा C20। अब दोस्तों ये C10 और C20 क्या है इसके लिए मैं डेडिकेटेड वीडियो बना चुका हूं, तो आप इसको अच्छे से समझ जाओगे तो सारा डाउट्स आपको जो है क्लियर हो जाएंगे। तो फिर भी दोस्तों मैं आपको इस वीडियो में बता देता हूं कि अगर आपके बैटरी पे C20 लिखा हुआ है तो उसको आप कितने एम्पीयर से चार्ज कर सकते हो ये मैं बता देता हूं। देखिए फ्रेंड्स, 150 को डिवाइड कर देना है 20 से इसलिए डिवाइड करना है कि आपकी बैटरी पे दोस्तों C20 लिखा हुआ है। अगर दोस्तों आपका बैटरी पर C10 लिखा हुआ है तो आप 10 से डिवाइड कीजिएगा, अगर 20 लिखा हुआ है तो आप 20 से डिवाइड कीजिएगा। तो अगर दोस्तों हम 150 को 20 से डिवाइड करते हैं तो हमारा निकल के आता है 7.5, तो ये हमारा एम्पियर हो गया दोस्तों। अगर दोस्तों हमारे पास 150 एम्पियर की बैटरी है उस पर C20 लिखा हुआ है तो वो दोस्तों लगभग 7.5 एम्पियर से चार्ज हो सकता है। अब दोस्तों हम उससे ज़्यादा तेज चार्ज करते हैं तो हमारा बैटरी जो है वो धीरे धीरे ख़राब हो सकता है, या फिर दोस्तों वो बैटरी जो हमारा गर्म होगा, या फिर दोस्तों हमारे बैटरी का जो वाटर है वो जल्दी जल्दी कंज्यूम करेगा। तो उससे ज़्यादा हमें फास्ट चार्ज नहीं करने होते हैं, तो इसीलिए दोस्तों ये कैपेसिटी होता है हमारा बैटरी का, मैक्सिमम हम 7.5 एम्पियर से चार्ज कर सकते हैं। वही दोस्तों अगर आपका बैटरी जो है उस पर C10 लिखा हुआ है तो दोस्तों आप उसको डिवाइड कीजिएगा 150 से, आप 10 से डिवाइड करिएगा, जितना भी निकल के आएगा 15 निकल के आएगा, तो आपका बैटरी 15 एम्पियर से चार्ज हो सकता है। अब दोस्तों हम मान के चलते हैं हमारा बैटरी जो है 7.5 एम्पियर से चार्ज होता है, तो उसके लिए हम कौन सा सोलर पैनल खरीदें। अब दोस्तों आप यहां पर ले सकते हो दोस्तों 200 वाट का सोलर पैनल। अब दोस्तों 200 वाट का जो सोलर है उस पे लिखा हुआ होता है करीब वो 10 एम्पियर के आसपास में चार्ज करेगा, लेकिन 10 एम्पियर उस कभी चार्ज नहीं करेगा, वो मैक्सिमम 8 एम्पियर तक चार्ज करेगा। उसको भी दोस्तों बहुत अगर गर्मी का सीजन है, बहुत तेज धूप निकल रहा है, तब जाके वो 8 एम्पियर से चार्ज करेगा, अदरवाइज दोस्तों वो 7-6 एम्पियर के आसपास में वो हमेशा चार्ज करेगा। तो ये चीज़ आपको ध्यान में रखना है दोस्तों कि आप अगर 150 एम्पियर की बैटरी को चार्ज करना चाहते हो तो आपको 200 वाट तक का सोलर आप चाहें तो ले सकते हो, उससे ज़्यादा अगर आप बड़ा सोलर लेते हो तो आपका बैटरी जो है वो ओवरचार्ज होगा, फास्ट चार्ज होगा, तो इसमें प्रॉब्लम क्रिएट हो सकता है। और जब भी दोस्तों आप सोलर पैनल का इस्तेमाल कीजिए अपनी बैटरी को चार्ज करने के लिए तो आप कंट्रोलर का इस्तेमाल करना मत भूलिएगा। तो ये हो गया दोस्तों 150 एम्पियर C20 बैटरी के लिए आप 200 वाट का सोलर पैनल ले सकते हो। वही दोस्तों आपको अगर आपकी बैटरी C10 की है तो दोस्तों आप 300 वाट भी ले सकते हो, 250 वाट का भी सोलर ले सकते हो, इसमें कोई डाउट नहीं है। अब दोस्तों अगर आप जानना चाहते हो कि हमारी 150 एम्पियर की बैटरी को हमारा 200 वाट का जो सोलर है वो कितने देर में चार्ज करेगा, फुल चार्ज कर देगा, तो इसके लिए दोस्तों मैं डेडिकेटेड वीडियो ला दूंगा। तो ये दोस्तों वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा हो रहा है, इसीलिए दोस्तों इस वीडियो में मैं सबको कवर नहीं कर पाऊंगा। अगर इस तरह वीडियो चाहिए तो आप मुझे कमेंट करके जरूर बता दें, मैं आपके लिए वीडियो लेकर के आते रहूंगा। सो फ्रेंड्स, ये वीडियो आपको कैसा लगा आप हमें कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन को ऑन कर लें। सो गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।